नमस्कार। प्रथमा कक्षा के संस्कार स्वरूप विषय के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। कक्षा प्रथमा में हम चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें रिवीजन कार्य हमारा चल रहा है। पांच प्रश्न हम इसकी पांच जो अच्छी बातें हैं वो पहले पिछले कालांश में कर चुके हैं। अब आगे का आज हम अध्ययन करेंगे। अतिथि आए तो हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करना चाहिए, परस्पर मिल बांटकर खाना चाहिए, सदा बड़ों का कहना मानना चाहिए, प्रातः उठकर नियमित व्यायाम करना चाहिए व टहलना चाहिए, रात्रि में समय पर सोना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यह बातें हमें याद करनी है। याद करने के साथ हमें यह अपने जीवन में भी उतारना है। हमें हमेशा यह बातें अपने जीवन के अंदर आए, ऐसा हमें प्रयत्न भी करना है। यह आपका आज का गृह कार्य है। रिक्त स्थान भरो। यह लेसन आप पहले बहुत बार कर चुके हैं, तो इसे अब फील करना है। परस्पर मिल बांट कर डैश चाहिए, तो आपको पता है हमेशा मिल बांट कर क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। तो इस तरह से आप इनको पढ़ेंगे और उचित शब्द इन रिक्त स्थान के अंदर आप भरेंगे। यह आपका आज का गृह कार्य है। जिन्हें यह वर्क नहीं आता है, जिन्हें यह फील करना नहीं आता है, वो पहले याद करेंगे, उसके बाद इस वर्क को करेंगे। धन्यवाद।